हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं मान्यवर के स्टॉक के, जो कि वेदांत फैशन के नाम से बेसिकली ट्रेड होता है। तो इस स्टॉक जो है लास्ट वन मंथ में स्पेसिफिकली काफ़ी ज़्यादा इसमें गिरावट दिखी है। तो लास्ट वन मंथ में ऑलमोस्ट 23%, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, 23% जो है स्टॉक नीचे गिर चुका है। जबकि अगर हम लास्ट वन ईयर में देखें तो उतना ही, जो जितनी डीग्रोथ लास्ट वन मंथ में हुई है उतनी ही है, ऑलमोस्ट 22% लास्ट वन ईयर में उसकी डी ग्रोथ रही है। तो रीज़न क्या रहा इसके, तो हम इसमें फाइव रीज़न समझेंगे बेसिकली इस गिरावट के। अगेन, देयर इज़ नो वन स्पेसिफिक रीज़न, कोई ऐसा ट्रिगर नहीं है कि इसकी वजह से इतना ज़्यादा इतने शॉर्ट पीरियड में गिरा है, तो कोई ट्रिगर ऐसा नहीं है। कुछ कुछ छोटे छोटे रीजंस हो सकते हैं विच वी विल डिस्कस हेयर। कोई स्पेसिफिक एज आई सेड कोई रीज़न नहीं है कि यार ये ऐसा हुआ था या ये ऐसा ख़राब रिजल्ट आया था या ऐसा कुछ हुआ था उसकी वजह से रिजल्ट स्टॉक गिरा, तो कोई ऐसा स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। बट वी विल ऑब्वियसली डिस्कस कि क्या मार्केट को अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। और ऑब्वियसली मॉडल पोर्टफोलियो स्टॉक है, राइट, तो ऑफकोर्स हमारा काफ़ी ज़्यादा फोकस और इस पर डिटेल में हम डिस्कस करते ही रहते हैं इंटरनली। काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी तो आई थॉट आई विल मेक अ वीडियो। तो बेसिकली 8 दिसंबर को इस स्टॉक काफ़ी बढ़ा था, ये नवंबर में, तो 8 दिसंबर को इस स्टॉक का जो पी है वो 89 टच हो गया था, प्राइस टू अर्निंग 89 टच हो गया था। और वैसे अगर हम, ये हमेशा एक प्रीमियम स्टॉक ही रहा है, फरवरी 2022 में ही लिस्टिंग हुई है, तो ऑलमोस्ट दो साल ही होने को आए हैं, बहुत ज़्यादा हिस्ट्री नहीं है। बट जब से लिस्टिंग हुई है एक अच्छा हमेशा से एक प्रीमियम रहा है, 70+ का ही हमेशा इसका प्राइस टू अर्निंग रहा है। लेकिन करंट अब 89 पी से दिसंबर 8th से अब जो है वो 57 पे ये पी आ गया है। तो इतना ज़्यादा डीग्रोथ हुआ है, ऑलमोस्ट 22% का डीग्रोथ ओवरऑल स्टॉक प्राइस में रहा, राइट। और इसके एज आई सेड मल्टीपल रीजंस हैं। मेजरली जो ट्रिगर होना चाहिए था, Q2 रिजल्ट्स काफ़ी ख़राब थे कंपनी के, ठीक है, जो कि सितंबर में हुए थे। लेकिन उसके बाद कोई नेगेटिवली मार्केट ने उसको मतलब गिराया नहीं, स्टॉक गिरा नहीं उसके बाद, एक्चुअली बढ़ा उसके बाद, राइट। और जो गिरावट आई वो अभी आई, जबकि Q3 के रिजल्ट से पहले, Q3 के रिजल्ट्स आए भी नहीं थे, उससे ही पहले मेजरली काफ़ी ज़्यादा ये स्टॉक गिर चुका था। Q3 के रिजल्ट आए हैं और उसके बाद भी जो है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा है। तो हम थोड़ा बहुत रिजल्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। तो अगर हम रिजल्ट्स के बारे में बात करें, राइट, तो स्टॉक जो है Q2, एज आई सेड, जो सितंबर में रिजल्ट आए थे उसके काफ़ी ख़राब आए थे और उन्होंने रीजंस दिए हैं। तो उन्होंने कहा है कि अगर हम इनका सुने ओवरऑल कमेंट्री, तो उन्होंने कहा कि भाई Q2 में लास्ट ईयर फिर भी कुछ वो था, मतलब अधिक मास वगैरह जैसे इस बार Q2 में रहा। आपको पता है ना, वेदांत फैशन मान्यवर मेजरली उनका जो अर्निंग है वो ड्यूरिंग द वेडिंग सीजन में आती है। तो वेडिंग सीजन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एथनिक वेयर में है और एथनिक वेयर सबसे ज़्यादा वेडिंग में पहने जाते हैं। तो वेडिंग सीजन में उनका सबसे ज़्यादा मतलब उनका रेवेन्यू आता है और प्रॉफिट भी वहीं से आता है। तो इसलिए उनके लिए ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि वेडिंग्स कितनी हो रही हैं और कितना ज़्यादा, उसके हिसाब से इनका सारा रेवेन्यू और प्रॉफिट रहता है। और मेंस में भी दे आर आई थिंक मोर ऑन मेंस नाउ, दे आर फोकसिंग अ लॉट ऑन वुमेन एज वेल, वुमेन एंड किड एज वेल, राइट। तो उसमें भी काफ़ी स्ट्रांगली दे आर एंटरिंग विद देयर न्यू ब्रांड्स, मोहे एंड ऑल दोज थिंग्स, तो वी विल टॉक अबाउट देम एज वेल। तो इस तरह से इनका पूरा रेवेन्यू आता है। तो Q2 में बिकॉज ऑफ अधिक मास एंड एवरीथिंग, राइट, तो इनके, इन्होंने कहा कि भाई कोई भी वेडिंग और काफ़ी सारे जो फेस्टिवल्स होते हैं जो काफ़ी सितंबर वगैरह में आते हैं वो सब जो है Q3 में शिफ्ट हो गए और उसकी वजह से Q2 का रिजल्ट उनका जो अनएक्सपेक्टेडली काफ़ी ख़राब रहा, ठीक है। मार्केट ने बाय किया वो, ठीक है, और कुछ रिएक्शन नहीं दिया, एज आई सेड स्टॉक एक्चुअली बढ़ा उसके बाद। लेकिन जब Q3 का रिजल्ट आया तो भी इतना अच्छा नहीं आया फ्रैंकली, ठीक है। तो Q3 में अगर हम ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है, ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ 7% की ही थी और प्रॉफिट ग्रोथ 5% की ही थी। अब अ स्टॉक विद 89 का पी अगर सिर्फ 7% से रेवेन्यू ग्रो करेगा या सिर्फ 5% से प्रॉफिट ग्रो करेगा तो ऑफकोर्स मार्केट को वो पसंद नहीं आएगा, ठीक है। तो बट ये अगेन एज आई सेड कि ये रिजल्ट रीज़न था ही नहीं क्योंकि स्टॉक उससे पहले ही गिर चुका था। बट अगेन वो मतलब एंटिसिपेट कर रही थी मार्केट कि रिजल्ट शायद इतने अच्छे नहीं आएंगे, एंड दैट्स हाउ बेसिकली स्टार्टेड, उसको थोड़ा बीटन डाउन स्टार्ट हो गया और उसकी री रेटिंग टाइप, डी रेटिंग बेसिकली कह सकते हैं, वो हुई, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हुई और एज आई सेड कि अब हम रीज़न समझते हैं मेजरली जो मुझे लगते हैं क्या क्या है, ठीक है। तो एक तो मैनेजमेंट ने ये बोला कि भाई बहुत बात हुई थी कि इस बार
50 लाख वेडिंग्स होंगी इंडिया में, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा बहुत सारे नंबर्स आए थे, 30 to 40 लाख, 50 लाख वेडिंग्स होने वाली हैं, ठीक है। क्वालिटेटिव एनालिसिस हुए थे, बट अगेन उन्होंने कहा कि हमने अपनी जब रिसर्च की तो इस साल भी इतनी ज़्यादा वेडिंग्स नहीं हुई जितनी एक्सपेक्टेड थी या जिस तरह के नंबर्स आ रहे थे, ठीक है। तो मैनेजमेंट सेड कि दे कंडक्टेड देयर ओन सर्वे विद बैंकट हॉल्स एंड वेयर इन दे वर इन्फॉर्म्ड अबाउट वीक डिमांड एंड लोअर बिजनेस इन जनरल, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई इसके बारे में डिस्कस काफ़ी हुआ था, लेकिन उस तरह में नंबर ऑफ वेडिंग्स जितनी सोच रहे थे उतनी ज़्यादा नहीं थी, राइट। और ओवरऑल मतलब Q2 और Q3 में नंबर ऑफ डेज जो अधिक मास है, श्राद्ध पीरियड है, ये सब की वजह से जो है डल रहा, ठीक है। तो एक तो ये रीज़न इन्होंने बताया कि भाई इतनी वेडिंग नहीं हुई है जितनी आपने आपको लग रहा है कि हुई है, या जितना नंबर्स मार्केट में चल रहे हैं वैसा नहीं हुआ है, तो एक तो वो रीज़न है। सेकेंड रीज़न इन्होंने कहा कि ओवरऑल देयर इज अ स्लो डाउन इन कंज्यूमर सेगमेंट, विच आई ऑल्सो एग्री अबाउट, ठीक है। तो कि रिटेल सेगमेंट में ओवरऑल एक स्लो डाउन है, ठीक है। अगर आप एक रिटेल ओरिएंटेड कंपनीज को देखोगे, जैसे डीमार्ट है, राइट, या फिर आप यू विल टॉक अबाउट पेज इंडस्ट्रीज, राइट। अब उसी से मतलब थोड़ा बहुत जो इस तरह से डायरेक्ट टू कंज्यूमर रिटेल में काम करते हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है, तो मान्यवर है। तो ओवरऑल देर इज़ अ स्लो डाउन, राइट। और हमने काफ़ी नंबर्स भी निकाले, तो सिंगल डिजिट ग्रोथ ही है, ठीक है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो ओवरऑल वेरियस सोर्सेज से सिर्फ 4 to 6% ही मार्केट बढ़ा है रिटेल सेक्टर, स्पेशली इन क्लोथिंग एंड अपैरल, ठीक है। तो देर इज़ अ सेक्टर में स्लो डाउन है, रीजन्स काफ़ी सारे हैं कि ऑब्वियसली एक इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है, राइट। और दूसरा ये भी है कि भाई लास्ट ईयर FY 2023 FY 2022, ठीक है, स्पेशली FY 2023 में एक पेंट अप डिमांड थी बिकॉज ऑफ कोविड, तो एक हायर बेस है, राइट। तो इसीलिए FY 2024 जो है वो उस हाई बेस की वजह से उतना ग्रोथ नहीं दिख रही है, ठीक है। तो वो भी एक रीज़न बोला जा रहा है। तो अगेन दैट इज़ आवर थर्ड रीज़न कि बेस इफेक्ट जो बिकॉज ऑफ FY 2023, द हायर बेस की वजह से सेक्टर ओवरऑल अच्छा नहीं किया, इवन फ्रॉम द वेदांत फैशन परस्पेक्टिव द ग्रोथ रेट इज़ नॉट देयर एट ऑल, मतलब कुछ ग्रोथ ही नहीं है। वन ईयर में अगर हम TTM बेसिस पे देखें तो सिर्फ 2.8% का ही टॉप लाइन ग्रोथ है, और प्रॉफिट ग्रोथ तो फ्लैट है एकदम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली रही कि हायर बेस इफेक्ट रहा, ओवरऑल कंज्यूमर सेगमेंट अच्छा, सेंटिमेंट अच्छा नहीं रहा, और उन्होंने कहा कि भाई वेडिंग इतनी नहीं हुई जितनी आपको लग रही है, एंड अधिक मास वगैरह की वजह से हमारी सेल नहीं हुई है, ठीक है। तो ये तीन रीज़न हो गए। चौथा रीज़न जो हमें लगता है, मुझे लगता है कि एक इम्पैक्ट है ओवरऑल फ्रॉम द कॉम्पिटिशन परस्पेक्टिव एज वेल, क्योंकि दो चीज़ें हैं कॉम्पिटिशन, एक तो दे आर इनटू मान्यवर, इनका जो ब्रांड है दैट इज़ अ मेल ब्रांड, राइट, एट अ, ठीक है। और वो जो ब्रांड है उसमें भी कंपटीशन आ रहा है। अब रेमंड आपने देखा, उनका भी एथनिक वेयर उन्होंने लॉन्च किया है, राइट। तो वो प्रीमियम और सेमी प्रीमियम सेगमेंट में लॉट ऑफ कंपनीज हैव लॉन्च देयर मेल ब्रांड्स एज वेल, ठीक है। काफ़ी सारे मतलब लाइफस्टाइल या शॉपर स्टॉप में जाएंगे तो वहाँ पर भी काफ़ी सारे नए नए ब्रांड्स या नई नई चीज़ें आने लग गई हैं। तो इसलिए अब कॉम्पिटिशन जो थोड़ा सा इनको 2-3 साल पहले मुझे लगता है कि दे हैड दैट लीवे कि देर वॉज नॉट मच कॉम्पिटिशन, दे वर फर्स्ट मूवर एंड लॉट ऑफ थिंग दे डिड, बट उस सेगमेंट में दे आर नाउ फेसिंग कॉम्पिटिशन एज वेल, ठीक है। एक तो वो रीज़न है। सेकेंड रीज़न दे आर एंटरिंग अ बिग टाइम एज अ सेट इन टू मतलब वुमेन वेयर एज वेल इन एथनिक, राइट। तो उनका मोहे ब्रांड है, या उनका मंथन है, मेबाज है, तो मेव है, काफ़ी सारे इस टाइप के प्रीमियम ब्रांड्स भी, दे आर गोइंग टू मोर प्रीमियमाइजेशन एज वेल। तो ये सारे जो ब्रांड्स हैं तो वुमेन वेयर में तो यू नो कि द कॉम्पिटिशन इन एथनिक वेयर इज इमेंस, राइट। तो वहाँ पर भी आई थिंक दे मस्ट बी फेसिंग लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन एज वेल, ठीक है। तो ये भी एक मेरे को लगता है कि कॉम्पिटिशन का भी इम्पैक्ट है, स्पेसिफिकली इन अ स्लगिश मार्केट कॉम्पिटिशन में ज़्यादा इम्पैक्ट आपको दिखने लग जाता है, ठीक है। तो ये भी एक फोर्थ रीज़न है जो मुझे लग रहा है कि एक कॉम्पिटिशन का इम्पैक्ट है, ठीक है। फिफ्थ जो रीज़न हमारा है कि वो है कि ऑफकोर्स एक बहुत हाई वैल्यूएशन और एक्सपेक्टेशन बन गया था स्टॉक के साथ, विद 89 काइंड ऑफ ए पी, राइट। और तो मार्केट ऑब्वियसली एक्सपेक्ट कि भाई आप मतलब जब 89 का पी होता है तो मार्केट का एक्सपेक्ट लगता है कि भाई एटलीस्ट 15 to 20% तो आप ग्रो करोगे ही कंसिस्टेंटली, राइट। तो जैसे ही जिस तरह से सेक्टर की रिपोर्ट्स आई होंगी, आई एम श्योर जो इंटरनल एंड एवरीथिंग, एंड समटाइम्स काफ़ी एनालिस्ट को काफ़ी सारी इंटरनली ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि भाई इतना अच्छा नहीं शायद चल रहा है, राइट। तो उसकी वजह से भी स्टॉक को थोड़ा सा बीटन डाउन हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिकली सब रीजंस हैं जो ओवरऑल
मेरे को लगता है कि प्ले डाउन हुए एक साथ, एंड दैट्स वाई द स्टॉक डिडंट डू वेल. एज आई सेड, देयर वाज नो ट्रिगर. ऐसा नहीं है रिजल्ट आया और ख़राब आया तो उसके बाद कंपनी ने कुछ किया, या कोई और स्पेसिफिक मार्केट में न्यूज़ आई उसके बाद कुछ हुआ, तो ऐसा नहीं हुआ है. आई थिंक इट इज़ जस्ट अ डी रेटिंग थोड़ा हुआ स्टॉक का बिकॉज ऑफ वेरी हाई वैल्यूएशन एंड एक्सपेक्टेशन की इतनी अच्छी मीट नहीं होंगी एंड इट विल टेक टाइम. ठीक है, एंड ऑफ कोर्स द कॉम्पिटिट जैसे बाकी जो ब्रांड्स हैं जैसे पेज इंडस्ट्री वगैरह, तो उनका भी ऐसा ही चल रहा है. ठीक है, या फिर इवन डी मार्ट, राइट, इफ यू कैन से कि वो भी इतना नहीं गिरे हैं, बट अगेन दे हैव नॉट डन वेल एज वेल, राइट. तो ये सारे रीजन्स मुझे लगता है कि रहे जो है स्टॉक के अच्छा नहीं होने के. तो अब आगे क्या करना है? ठीक है, तो ठीक है, ये तो ठीक है. तो बेसिकली अगेन अकॉर्डिंग टू अस की कंपनी इज अ वेरी, मतलब ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड कंपनी, हाई प्रमोटर होल्डिंग, सब इंस्टीट्यूशन होल्डिंग बहुत स्ट्रांग है, काफ़ी अच्छा मोट है इन दैट सेगमेंट विच दे आर इन, काफ़ी स्ट्रांग ब्रांड्स हैं, अच्छा इनका प्रेजेंस है, और 673 इनके EBOs हैं, एक्सक्लूसिव बिजनेस आउटलेट्स जो जहाँ ये बेचते हैं. ठीक है, एंड दे आर इंक्रीजिंग दैट. तो अभी 33 स्टोर्स ऐड किए हैं इन्होंने इन लास्ट वन ईयर. ठीक है, 640 से 673 किए हैं, एंड दे आर सेइंग कि दे विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. मतलब आगे का इनका और स्ट्रॉन्ग प्लान्स है, मतलब 16% CAGR का ग्रोथ ये बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ स्टोर्स में. ठीक है, दे हैव ऑल्सो लॉन्च लॉट ऑफ प्रीमियम ब्रांड्स एज वेल. ठीक है, तो मेबाज हो गया, तो मेव हो गया, तो इस तरह के दे आर गोइंग इन टू मोर प्रीमियमाइजेशन एज वेल एंड इन टू लेडीज सेगमेंट एज वेल, फीमेल सेगमेंट एज वेल, जो मुझे लगता है कि अगेन काफ़ी बड़ा सेगमेंट है एज कम्पेयर टू मेन्स. ठीक है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है. ओवरऑल अगर हम वेडिंग इंडस्ट्री जितने भी हमारे एनालिसिस रहते हैं, जितनी भी रिपोर्ट देखते हैं, तो हर जगह डबल डिजिट ग्रोथ की बात होती है कि भाई वेडिंग इंडस्ट्री इंडिया में डबल डिजिट ग्रो करेगी. ठीक है, तो उसका मुझे लगता है कि अभी नहीं कि लास्ट वन ईयर में, इसलिए थोड़ा सा इंपैक्ट रहा, बट अगर आज ये करेगी तो दे विल गेट दैट बेनिफिट एज वेल बिकॉज राइजिंग पर कैपिटा एंड ऑल दोज थिंग्स वी नो. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बेसिकली हमें थोड़ा सा पॉजिटिव देते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि द मार्जिन्स, जो मुझे लगता है कि उन्होंने स्टिल विद द नॉट सो ग्रेट सेल्स एंड नॉट सो ग्रेट प्रॉफिट, दे आर स्टिल मेंटेनिंग दैट मार्जिन एक्सेप्ट इन Q2. ठीक है, दे कुडंट मेंटेन इट, बट अदरवाइज उनका जो पैट मार्जिन ऑफ 29-30%, दे आर स्टिल एबल टू मेंटेन इट एंड दे आर स्टिल सेइंग कि वी विल ट्राई टू मेंटेन इट इन द फ्यूचर एज वेल. तो दैट काइंड ऑफ मार्जिन इन अ रिटेल अपैरल सेगमेंट इन सच अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, ठीक है, वो इट शोज़ कि इसको ये, इससे ये पता चलता है कि यार ये बहुत एक ब्रांड अच्छा स्ट्रांग बना है, या इनके पास एक कुछ, मतलब इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है या ब्रांड है, राइट, या क्वालिटी है जो भी है, राइट, सब चीज़ें, वो सब चीज़ें, या फिर इनका जो सप्लाई चेन है वो इतना स्ट्रांग है कि दे कैन चार्ज दैट काइंड ऑफ मार्जिन्स. ठीक है, एंड स्टिल सस्टेन डिसेंट ग्रोथ. तो वो भी अभी तक तो दे आर मेड बी एबल टू मेंटेन. एज आई सेड कि ये सब डी ग्रोथ जो स्टॉक में हुआ है, क्या मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रही है कि ये इस टाइप के मार्जिन्स आगे नहीं रहेंगे, तो मे बी पॉसिबल, बट स्टिल मैनेजमेंट इज स्टेइंग दैट. एंड उन्होंने किया है, Q3 में तो उनके मार्जिन्स आर बैक, Q2 में खराब हुए थे, बट Q3 में अगेन द मार्जिन्स आर प्रेटी गुड. तो अगेन वही है कि मार्जिन्स भी दे आर ट्राइंग टू मेंटेन, विच शोज द स्ट्रेंथ ऑफ ओवरऑल द कंपनी एज वेल. तो ये सारी चीज़ें हैं, तो दे आर लॉट ऑफ पॉजिटिव्स. अगेन मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव, आई थिंक वी आर नॉट सीइंग एनी मेजर as such red flags as of now. We'll closely watch it. ठीक है, और आप भी, आई एम श्योर, आर क्लोजली वॉचिंग इट इफ यू आर एन इन्वेस्टर. लेट्स बिकॉज इट्स इन अ वेरी गुड सेक्टर रन बाई गुड मैनेजमेंट. ठीक है, एंड विद गुड मोड्स एज वेल. तो ओवरऑल थिंग्स लुक गुड, लेट्स सी. ठीक है, अगर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आई थिंक थोड़ा सा और क्लोजली वॉच करो, बट अगेन डोंट गेट बॉक डाउन टू मच अबाउट इट. एंड अगर मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्राइबर नहीं है, ठीक है, तो बजट कूपन कोड चल रहा है and it is giving 60% flat discount. ठीक है, तो उसमें we do lot of such analysis, lot of बहुत सारी चीज़ें बात करते रहते हैं जो stocks हमारे portfolios में हैं specifically, यानी even which are not there, तो काफ़ी discussion होते रहते हैं. तो please अगर आपने अभी तक नहीं लिया है model portfolio, तो do check it out. आपको बहुत, अगर आप investor हैं, specially stock investor या even a fund mutual fund investor हैं, तो it is a tool which will help you a lot. ठीक है, एज अ रेफरेंस पोर्टफोलियोज या जैसे भी है, मतलब आपको जो ओवरऑल रिसर्च मिलेगा या ओवरऑल थॉट प्रोसेस मिलेगा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का, वो बहुत ही, यू विल लाइक इट अ लॉट. ठीक है, तो डू चेक आउट investedinna.in एंड यूज दैट बजट कूपन कोड विद 60% डिस्काउंट. हैव अ ग्रेट टाइम हैड दोस्तों. जय हिंद.